हेलो दोस्तों, जब आप फोन पे में किसी को पेमेंट करने के लिए जाती हो तो आपका अकाउंट से वो अमाउंट डेबिट हो चुका है, लेकिन वहाँ पे एरर आ रही है, पेमेंट इज पेंडिंग। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को आप कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर कोई डाउट है और जानकारी है तो कमेंट में जरूर लिखे। थैंक यू। तो आपको 3x VPN को आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करके कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल ओपन करते हूँ, और ओपन करने के बाद मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा चेकिंग होगा। चेकिंग होने के बाद आपको यहाँ पे टैप टू कनेक्ट पर क्लिक करके आपको इसको कनेक्ट करना है, और फिर ओके करना है। और ये करने के बाद आपको थोड़ा चेकिंग सिक्योरिटी होगा, उसके बाद ये आपको कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे आपको फ़ोन में होम स्क्रीन पर आना है, और होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको आपका फ़ोन में आपको सेटिंग्स पर जाना है। और सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आने पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको सिम को सिलेक्ट करना है, और सिम को सिलेक्ट करने के बाद आपको वोल्ट को ऑफ करना है, फिर से वोल्ट को ऑफ ऑन करना है, फिर इस पर जाना है, फिर आपको यहाँ पे LTE को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम पर जाना है, और एक्सेस पॉइंट नेम पर जाने के बाद आपको यहाँ पे रिसेट पर क्लिक करके आपको ए पेन को रिसेट करना है। फिर आपको यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको फ़ोन में आपको कनेक्टिंग इन शेयरिंग पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एरोप्लेन मोड को ऑफ ऑन करना है, और ये प्रोसेस करने के बाद आपको फिर से यहाँ से आपको बैक आना है। और बैक आने के बाद आपको आपका फ़ोन में प्ले स्टोर में आपको जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको प्रोफाइल आइकॉन पर जाना है, और प्रोफाइल आइकॉन पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स पर जाना है, और सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड परफॉर्मेंस पे जाना है, फिर ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स मी एवरी टाइम इसको सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ से ऑटो अपडेट ऐप्स पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डू नॉट अपडेट ऐप्स इस पर आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ से बैक आना है, फिर ऑटो प्ले वीडियो पर जाना है, फिर डू नॉट ऑटो प्ले वीडियो इसको सिलेक्ट करना है, फिर ओके करना है। और ये प्रोसेस करने के बाद आपको बैक जी पे स्क्रीन पे आना है। उसके बाद फोन पे एप्लीकेशन को लॉन्ग टाइम प्रेस करना है। उसके बाद आपको ऊपर कोने में एक आई का ऑप्शन है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे स्टोरेज एंड कैच पर जाना है, फिर आपको क्लियर कैच करना है, और उसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करके उसको ओके करना है। फिर आपको यहां से बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको परमिशन में जाना है, और आपको यहां पे सारे ऑप्शन का आपको अलाउ करना है। तो अगर अभी तक आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और पास में जो बेल आइकन है इसको ऑन कर दो, और इस कमेंट में आके आपको जो भी डाउट है आप कमेंट में आके पूछ सकते हो, और हमसे कांटेक्ट करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, और हमसे वहां से कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम होगा फोन पे एप्लीकेशन के अंदर वो सारे सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू।